के लिहाज से खुद को चेंज नहीं करती, वो कुदरती तौर पर रहती है। ठीक है, सो बच्चे आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने नेम यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ट्राइब्स के नेम भी लिखने हैं और उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेना है। डिफाइन द टर्म हैबिटेट, इन्वायरमेंट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, तो हैबिटेट क्या है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। ठीक है, जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो जगह को हम हैबिटेट कहते हैं बच्चे। आगे हमारे पास कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ए हैबिटेट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप झुरमुट जो हैबिटेट को शेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं बच्चे। तो पॉपुलेशन क्या है, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन ए हैबिटेट। ठीक है, क्रिएचर्स की एक जैसी जो क्रिएचर्स होती हैं जो एक हैबिटेट में रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। ऐसी तमाम चीज़ें जो प्लांट्स और एनिमल्स की ज़िंदगी को असरअंदाज करती हैं, ठीक है, उन पर अफेक्ट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं बच्चों। की ये डेफिनेशन है आपके पास, ये डेफिनेशन है आपके पास कम्युनिटी की, ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, ये है इन्वायरमेंट के बच्चे आपके पास ये डेफिनेशन है, और हैबिटेट की आपके पास ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये चारों डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लेनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।